दुनिया के सबसे बड़े विमान ने पहली उड़ान भर ली है। ये विमान कुछ तकनीकी कारणों से पहली कोशिश में उड़ान नहीं भर सका था। एयरलैंडर 10 ने मध्य इंग्लैंड के कार्डिंगटन में एक हवाई अड्डे पर एकत्र भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उड़ान भरी। इससे 85 साल पहले R101 ने अक्टूबर 1930 में इसी हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और यह फ्रांस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 48 लोग मारे गए थे। 92 मीटर लंबे, 44 मीटर चौड़े और 26 मीटर ऊंचे इस एयरक्राफ्ट के निर्माण में 25 मिलियन पाउंड यानी करीब 2 अरब रुपए का खर्च आया है। करीब 10 साल का वक्त इसे बनाने में लगा है। हीलियम गैस से उड़ने वाले इस एयरक्राफ्ट का कुछ हिस्सा विमान का है, कुछ शिप का तो कुछ हेलीकॉप्टर का। दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट की कुछ और बड़ी खासियतें भी हैं, ये जान लीजिए। यह विमान 3 हफ्ते तक हवा में रह सकता है। क्रू मेंबर समेत 48 यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। 10,000 टन सामान ढो सकता है। किसी पैसेंजर जेट के मुकाबले इसकी लंबाई करीब 15 मीटर ज्यादा है। 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला यह एयरलैंडर अपने आप में एक हेलीकॉप्टर भी है, क्योंकि इसे उड़ने और उतारने के लिए एयरलैंडर 2 रनवे की जरूरत नहीं पड़ती। इसे पानी पर भी उतारा जा सकता है। इस विमान को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। ब्रिटेन की हाइब्रिड एयर व्हीकल्स कंपनी ने इसका डिजाइन तैयार किया है और दावा है कि ये एयरक्राफ्ट ना कोई शोर करता है और ना ही प्रदूषण छोड़ता है। इस एयरक्राफ्ट को बनाने का आइडिया 2009 में अमेरिका की सेना को आया था। अमेरिका अपनी सेना के लिए अफगानिस्तान सामान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन रक्षा बजट कम होने की वजह से 2012 में प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया गया। बाद में ब्रिटिश कंपनी एयरलैंडर ने इस आइडिया को कैश करा लिया और इस तरह ये एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट के रूप में अब आपके सामने है। देखते रहिए डीबी लाइव।